हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। क्या नहीं आएगी द डेली फाइल्स द कश्मीर फाइल्स के प्रशंसा के बाद? डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बहुत सारे जो है बॉलीवुड के नज़रों में है और बहुत सारे आतंकी उन पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने उनको धमकी तक दी है और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो द केरला स्टोरी को बैन कर दी है। तो इस प्रकार से भारत में जो है राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स के विरुद्ध में कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जहाँ द डेली फाइल्स के नाम से जो विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है द डेली फाइल्स जो बहुत समय से चर्चाओं में है, जिसमें जो है कई सारे जेनोसाइड्स को दिखाया जाने वाला, जहाँ मोपला कांड से लेकर जो है द डायरेक्ट एक्शन डे जहाँ हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, वो जो है इतने सारे षड्यंत्रों के विरुद्ध जो है हमारे जो है हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया, जिसमें विवेक अग्निहोत्री जी के आप इंटरव्यू को देख सकते हैं जहाँ उन्होंने बताया कि द डेली फाइल्स में ऐसे नरसंहार को भयावह को दिखाया जाएगा कि जिससे जो है लोगों की जो है आत्मा तक कांप जाएगी। द कश्मीर फाइल्स में तो दिखाया गया और जो द केरला स्टोरी में दिखाया गया ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे ऐसे नरसंहार हिंदुओं के हुए हैं पिछले 1000 वर्षों में, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ जो कि यहूदियों के नरसंहार से भी भयावह था, जिसके बारे में किसी को बात नहीं जाती, क्योंकि ये देश जो है अपने इतिहास को भूलने में, हिंदू अपने नरसंहार को भूलने में जो है सबसे बड़े महारथी हैं। इसीलिए तो ये देश जो है आज तक अखंड भारत के नाम से जो है दोबारा कभी भी खड़ा नहीं हो पाया है, दोबारा कभी भी जो है अखंड भारत नहीं बन पाया। तो बात ये आ रही है कि द दिल्ली फाइल्स के रिसर्च के लिए विवेक अग्निहोत्री ने अपनी टीम को जो है भारत के कई सारे राज्यों में भेजा था, जहाँ जो है पश्चिम बंगाल में जब उनकी टीम गई है तो उनको जो है विशेष समूह द्वारा घेर लिया गया। आप समझ सकते हैं कौन विशेष समूह है। और ममता बनर्जी ने जो है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को बुला के जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती हैं, लेकिन वही विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर जो कि देश के सच्चाई को सामने लाने की बात करते हैं और अपने रिसर्च टीम भेजते हैं, उनके विरुद्ध जो है वो जो है पुलिस कार्रवाई कर दी जाती है। पुलिस को जो है उनको बचा के जो है एक विशेष समूह से बचा के लाना पड़ता है। सो कॉल्ड कम्युनल फैक्ट चेकर्स ने मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। से मैं पिछले एक साल से कैसे जी रहा हूँ मैं ही बताता हूँ। मैंने विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे फिल्म मेकर्स जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा का आज सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच्चाई को दिखाने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, द दिल्ली फाइल्स जिनमें जो है हर कई प्रकार के नरसंहार को दिखाया जाने की बात की जा रही है, अर्थात जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो है एक विशेष समूह द्वारा टारगेट किया जाता है, बॉलीवुड द्वारा टारगेट किया जाता है और उन्हें जो है स्वतंत्रता से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं किंग खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोग, उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है उन्हें जो है फंसाया जाता है और उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं करने दिया जाता। आपने देखा ही होगा कश्मीर फाइल्स को इतने सक्सेसफुल होने के बाद ही जो है बॉलीवुड ने इसके बारे में बात की थी, वरना बॉलीवुड का हिस्सा भी इसे नहीं माना जा रहा था। हालांकि हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी एक बात की बात है, जहाँ द केरला स्टोरी के सक्सेस के बाद उनके डायरेक्टर्स को, उनके मेकर्स को जान की धमकी दी ही जा रही है, जहाँ कई लोग कह रहे हैं उनको काट दिया जाने, उन्हें फांसी में लटका दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार से द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री को जो है जेड प्लस की सिक्योरिटी दी गई थी। और वहीं द डेली फाइल्स अगर आ गई तो इसमें इतने सारे जो है जेनोसाइड्स को दिखाया जाएगा, इतने बड़े बड़े भयावह नरसंहार को दिखाया जाएगा जिससे जो है सभी की आत्माएँ कांप जाएंगी और ये जो है भारत के जो हिंदुओं के जो प्रति जो घृणा जो फैलाई जा रही है उसको जो है सच सामने लाया जाएगा। तो धीरे धीरे जो है देश के राष्ट्रवादी मेकर जो आगे आ रहे हैं और ऐसे आगे आने चाहिए, क्योंकि एक दो से कुछ नहीं होने वाला है, भारी भरकम संख्या में हिंदू राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को जो है आगे आके भारतीय सनातन धर्म की सच्चाई को, हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया जाना चाहिए और जो आज हम गंगा जन्म जमुना तहजीब कहते हैं या जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसको रोकना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप डेली फाइल्स का एक्साइटेड हैं? क्या आप मुपला नरसंहार, आप द डायरेक्ट एक्शन दे और मोहनदास करमचंद गांधी के काले सच्चाई को जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे आज़ादी के दिन जिसको कहा जाता है उस दिन केवल पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ था और उस दिन जो है लाखों लाखों नरसंहार हिंदुओं के जो है बंगाल में और दिल्ली में और भारत के कई जगह पंजाब में हुए थे, जहां लाखों लाखों हिंदुओं के लाशें बिछ गई थी जिसको जो है गिनने वाला और देखने वाला कोई नहीं था, जो कि आज हम भूल चुके हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कौन जो बताइएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।